अच्छा अच्छा मैं मैं रहा था था कि एक एक अगर पॉइंट और वैसे जब आया था, तो मैं एक दूसरा पॉइंट लेके आया था uh, मेरी uh, एक, uh, आया था एक मेरी एक एक अच्छा, एक वो, तो uh, वो जो वाली आयत है उस रिसेंटली नजर पड़ी दोस्त रही थी तो मैंने रियलाइज किया जो आयत है आप ये देखें कि ये आयत खुद मुत है और इसका तरजुमा पढ़े तो हाँ, पढ़ हाँ, हाँ टाइम लगे आप सिर्फ इसमें ये देखें अगर उर्दू में हम हाँ, पढ़ें तो इसमें है इस किताब में दो तरह, तरह की आयात है एक महकमात जो किताब की असल बुनियाद है और दूसरी मुतशाबात अब okay. हाँ, आप, आप यहाँ पर आ जाए सीधा विषय यहीं पर आ जाए हालांकि उनके हकीकी मुराद को सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता ठीक है है अच्छा अब है आगे और पुख्ता वाले यही कहते हैं कि हम इन पर ईमान ला चुके ठीक है अच्छा आप ये देखें मुझे प्रैक्टिकली मैं, मैं इसका लिटरल मतलब ये बनता है अगर मैं ये लिख दिया है कि कहा चिटा तो ईमान वाले मान गए ईमान वाले मान ठीक है अच्छा लेकिन अंधा ईमान अच्छा लेकिन मैं आपको एक और एस्पेक्ट इसमें बताऊँ अरबी का जो यहाँ पर जिस तरह से अ, सेंटेंस लिखा हुआ है ना इसका एक और मतलब भी बन सकता है और वो इससे टोटली डिफरेंट होगा वो इस तरह से डिफरेंट होगा और ये शिया इसका ये मतलब लेते हैं वो ये लेते हैं कि हालांकि इनके हकीकी मुराद को सिवाए अल्लाह ताला और मजबूत ईमान वाले के कोई नहीं पा सकता और वो ये कहते हैं कि अब आप ये देखें ये, ये दिस इज अ मीनिंग अगर आप बहुत सारे इवन सुनियों में भी किसी ने एक आधने ये मीनिंग किया हुआ था तो आप ये सोचें कि कितना डिफरेंट आपको मीनिंग मतलब ही बदल गया एक तरफ एक मतलब ये बन रहा है कि सिर्फ खुदा जानता है और एक तरफ इंसानों में से भी कुछ लोग इसको जानते हैं यानी ये वर्ड्स खुद मुतशावे है इन टर्म्स में कि भाई अल्लाह जा, सिर्फ अल्लाह जानता है या और भी कोई जानता है और ये शियाओं का इसलिए शियाओं का इसमें इसलिए पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि वो मानते है जो 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 हैं तो मतलब मैंने कहा मैं है खुद मुत हो गया है और आप हैरान होंगे अब मालूम बाकी का क्या वो मेरी खुद से बात हो रही होती है इस पर बात होना शुरू हुई है उसने एक बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही स्ट्रेंज बात उसने की वो खुद ये मानता है

ठीक है या ये 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 एक मेटाफोरिकल बात है जहां पे आप या तो उसका म्यार तय किया जाए ना कि अब जैसे मैं आपको अगर कहता हूं कहां दिस इज कि ये मैं आपको एक मुहावरा बात कर रहा हूं लेकिन अगर आपको मैं ये बता दूं कि मैं एक जगह जा रहा था मैंने वहां पे सफेद कव्वा देखा और उसमें अगली बात भी जो है वो उसकी खदोखाल बयान करने लग जाती है तो इट मीन्स इन दैट सेंस इट इज नॉट ए मेटाफोर

मतलब उसका इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है जो मुझे इस तरह रीडिंग करके जो समझ में आता है कि ये किताब बहुत ही जो है बेचारी ये एक खुतबा सा टाइप किताब है ये हजूर पाक जो है जैसे उनके जहन में आता था वो बस अपनी को मोटिवेट अपना कोई परपज करने के लिए वो दे देते मतलब दे दे थे रहे दे हम जो उसूल वजह करने की कोशिश करते ना वो इस किताब इस काबिल है ही नहीं अब ये मुतशाबियात वाली जो बात है बंदा पूछे खुदा ने ये मुतशाबियात रखे क्यों क्या कंफ्यूज करना है हमें सब लोगों को या मतलब ये चक्कर देना है क्या वजह क्या है

इसकी अफ वो जो तवील करते है वो बड़ी ही, है कि अच्छा वो उन्हें ये सिर्फ को ही पता है वो बच्चे का किरदार कैसा होगा और क्या निकलेगा <laughs> तो हो की निकले लिमिट नहीं हदीस से तो मैं क्या, क्या, सूरत अच्छा, और टेन नंबर आया था वो कुरान का जो लेवल क्या है आ, और उससे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है इनसे कहो कि कभी तुमने सोचा कि अगर ये कलाम अल्लाह की तरफ से हुआ और तुमने इसका इनकार कर दिया तो क्या होगा अभी अल्लाह जो है वो खुद आकम्द रेजर जो है वो मतलब पास्कल्स वेजर जो है, वो मतलब इस तरह की बात करेगा यार अगर ठीक निकल आया तो फिर तुम लोग क्या करोगे निकल आया तो क्या करोगे रगड़े जाओगे आपको सबूत दें ये क्या बात हुई मैं ये ये इसी तरह हम भी कहें यार अगर यू नो कृष्णा निकल आया तो क्या करोगे उस पर इनको कोई डर नहीं लगता हिंदू धर्म पे इनको कोई डर नहीं लगता इनको हिंदू नरक से डर लगता है इनको ये बात से डर लगता है कि अगले जन्म में इन्होंने मच्छर बन के आ जाना और किसी ने एक ताली मार है एक सारा <laughs> मतलब आप सोचे पागल किया हुआ सबको कि यार मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा और फिर उसमें एक आयत तो ये भी हो कि यार अगर ठीक फिर तुमने कभी सोचा जाहिर है दूसरों ने सोचा है कि अगर ये ठीक हुआ तो हमें जूते ही पड़ेंगे लेकिन उनको नहीं ठीक लग रहा है इतनी ऑब्वियस तरीन बात है तो ये यहाँ से इस तरह की बहुत आयात है जहाँ से समझ आ जाती है कि एक मोटिवेशनलिंग है Exactly. बस ये जी -जी, कहना रहा था कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अच्छा कुरान में कोई साइंटिफिक मिस्टेक ना हो ना अगर कुछ भी कोई भी और मिस्टेक ना हो लेकिन जो कुरान ने जिस जिस जो आर्ग्यू जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिए है ना वो ही इतने फ्लॉड है कि उसी के बुनियाद पर इंसान को ये अंदाजा हो सकता है

वो डेथ बेड पे उनके क्या हुआ और ये हदीस जो है चार जगह आई थिंक सही बुखारी में तीन जगह सही मुस्लिम यानी सबसे ऑथेंटिक जो हदीस है उनमें से मैंने सारे उसके वर्जन जो है तीन चार वो इकट्ठे की लेकिन मैं उर्दू पढ़ता हूँ कि तुम्हें तो मालूम है जमेरात का दिन है ये कौन सा दिन है ये एक साहब ही कह रहे हैं कि वो बहुत बुरा दिन था उन्होंने कहा इसी दिन रसूल की तकलीफ में शिद्दत पैदा हुई थी और आपने फरमाया था कि मुझे लिखने का एक कागज़ दो ताकि तुम्हारे लिए मैं एक ऐसी किताब लिख जाऊं जिसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो इसके बाद लोगों का इख्त हो गया सबको पता है कि उसके बाद वो नहीं बता पाए थे और कुछ के मुताबिक यानी ये सबसे जो जो मैंने उसका बेहतर वर्जन मुसलमानों को समझे के क्रेडिट देने के लिए सबसे बेहतर वर्जन चूज किया जिसमें आ हजरत ने तीन बातों का हुक्म दिया कि मुशरकों को जजी जजीरा जजीर अरब से निकालो वफूद वफूद के साथ उसी तरह खातिर तो मामला करना जिस तरह में तीसरी बात कुछ भली सी थी या तो सईद ने इसको बयान ना किया या मैं भूल गया यह सबसे बेस्ट वर्जन है जिसमें तीसरी बात भूल गई जिसे पूरी उम्मत का, आ, पूरी उम्मत उम्मत का का भला करना था ने डेथ बेड पे तो तोलेट कहते हैं कि यार डेथ बेड पे तो इतने डेस्परेट थे कि यार मैं तुम्हें बात लिख देता हूँ जो अः पूरी उम्मत के लिए भला होगी और अब कुरान में बातें क्या की हुई है जिसपे टाइम जाए किया ए लोगो जो ईमान लाए हो नबी के घरों में बिला इजाजत ना चले आया करो ना खाने का वक्त आते अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो जरूर आओ मगर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ बातें करने में ना लगे रहो ये तुम्हारी हरकतें नबी को तकलीफ देती हैं। मगर वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते अब पूरा कुरान मजीद जो है वो इस तरह की चीज़ों पर वाकियात पे किया उस पर जो है वो कह रहे हैं और ये मैं बता रहा हूँ अगेन रिपीट करूंगा ये हदीस वो है जो मुतफिक है सही मुस्लिम में है सही बुखारी में है

मुझे तो उमर जो है ना वो स्टोइक भाई आज नहीं आया स्टोइक को वाकई बड़ी नफरत है उमर से हजरत मोहम्मद अब ये देखो अब मैं मैं तो चलो ना मैं कहता मुझे हजरत मोहम्मद से ऊपर तो नहीं ना कोई चीज हो सकती इस्लाम की नजर में हजरत मोहम्मद रसूल खुद कह रहे हैं भाई पेपर ला तो मैंने लिखना है उन्होंने लिखने नहीं दिया उन्होंने कहा नहीं नहीं रहने तो हमारे पास कुरान आ गए उनकी तबियत अभी ठीक नहीं है तो वो अपनी सेंसेस में नहीं है तो इसलिए अभी उनकी बात ना मानी जाए

असल में जिन्होंने ने सोम पायलट का ये आर्ग्यूमेंट बड़ा अच्छा है ये लोगों ने हदीसे बाद में खड़ी होंगी ये बातें बनाई होंगी और वो बना गए लिख गए बीच में आप क्या करें आई थिंक सारी नहीं बनाई होंगी ये वाली मुझे जैसे लगता है कि जो इतनी मल्टीपल चेंज है ना तो मुझे लगता है कि हो सकता है एक्चुअली हुआ हो वैसे हो हुआ, हाँ उमर का कैरेक्टर तो ऐसा ही है उमर का कैरेक्टर तो ऐसे उमर ने हजरत अबू बकर की वफात पे हज़रत अबू बकर की बहनों की टुकाई कर दी थी उसने उमर you know yeah. ये दोबारा बताने की जरूरत है या नहीं चलो अब हो ही तो मैं कर देता हूँ ये 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 पेज ये वाकया लिखा हुआ वा, पेज नंबर सेवन थर्टी एट पर जब हजरत अबू बकर फो तो हजरत आयशा उनकी बहनें जो थी उनकी फुफियां जो थी वो सोख में रही थी रो रही थी तो उमर उमरू यार साहब आये हैं उमर साहब ने अंदर घुसे बाहर खड़े हैं उन्होंने कहाशाम को, अब को हाफा ला के दो यानी जो हजरत बहन थी उसको बाहर लेके आओ तो हजरत आयशा ने कहा नहीं इजाजत नहीं देती कि तुम मेरे घर में आओ तो उमर ने कहा चालो शेरबान अंदरों फाड़ के, के आ। तो वो आशाम गया अंदर उसने वो हजरत उम उम फरवा को बाहर खींचतान के लाया उमर ने अपना छाटा उठाया और उनको नंबर ऑफ ब्लोज मारे यानी हजरत अबू बकर की बहन को पीटा इस बात पे क्योंकि वो रो रही थी और जब ये हुआ था वो जो विपिंग औरतें थी बाकी की वो बेचारी उन्होंने दौड़ लगा दी उन्होंने ये उमर का कैरेक्टर है तो और, और हज़रत तो, उमर का एक एक तो वो फेमस वो तो एक कहा जाता है ना कि वो तो बात झूठी है कि हजरत फातिमा उन्होंने घर जलाया लेकिन मिर्जा का ही मैं कल सुन रहा था वो कह रहा था हाँ, उन्होंने बस ये कहा था कि अगर तुम्हारे घर इवेंट हुआ ये मीटिंग हुई खिलाफत का तय करने की तो तुम्हारा घर मैं जला दूंगा ये हाँ यानी ये जलाने की धमकी दी है बहरहाल देखो क्या हो रहा था और हो सकता है अल्लाह मोहम्मद ने मरवाना था रसूल अल्लाह की बेटी के ऊपर जुलम हुआ हजरत फातिमा के ऊपर तो ऑब्वियसली सारी बात है क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स का कोई प्लान नहीं लगता है उसका उस वक्त ब्लैक होल्स जो थे वो सितारों को हजम कर रहे थे गैलेक्सीज कोलाइड कर रही थी स्टार्स डाई आउट हो रहे थे प्लैनेट्स तबाह बर्बाद हो रहे थे अल्लाह में यहाँ पे हाँ जी अबू बकर के घर में क्या हो रहा है <laughs> फातिमा को सा, क्या चल रहा है कोमर के साथ क्या कहानी इट हैड नथिंग टू डू विद द जब आप जूम आउट करते हैं नॉन ऑफ दीज थिंग्स मैटर इन मौलवियों के लिए इनकी दाणियां लंबी करने के लिए इनके लिए एक काम था इट्स ऑल मैन मेड देर इज नो ट्रूथ इन दिस

बहुत ही मैं मैंने कल का था मजे का केजे तो बहुत इतराज हुआ था कि आपने बहुत ही सख्त लफ्ज यूज किया लेकिन आयरन में केस ही होता है कई दफा मेरे इस नए काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेटीएम पे, पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ